इमरान खान साहब की यह हदायत थी कि ये जो डॉक्टर साहब का फ्यूनरल है उसको फैसल मास्क में उसकी तदफीन की जाए, वहाँ भी इंतज़ाम थे, लेकिन बदनसीबी तो नहीं कह सकते, ये ख़ानदान का फैसला था और उनकी ख्वाहिश थी कि हमने उन्हें H8 में उनकी तदफीन कराई, और ये भी तय था कि उनकी H8 में उनके ख़ानदान के मुताबिक तदफीन हुई। और मैंने दो दफ़ा उनके ख़ानदान से रابطہ किया और 2-2.5 घंटे के बाद मेरी भी ख्वाहिश ये थी कि उनकी फैसल मस्जिद में तदफीन हो, लेकिन उन्होंने फ़ाइनल ये कहा कि हमें उनकी ख्वाहिश ये थी कि H8 कब्रिस्तान में तदफीन की जाए। जो दो शनाख्ती कार्ड एक जमा करा रहे थे उसकी 10,000 फ़ीस रखी थी इन्होंने, आज मैंने 5,000 कर दी है। और डुअल पासपोर्ट की भी काबीना में जब मंजूरी जाएगी, और शनाख्ती कार्ड तो शुरू है, उनको क्या 5,000 लें, उसकी भी 5,000 फ़ीस की है। जो दो पासपोर्ट रखते हैं अपना, एक पासपोर्ट जो है वो 30 अक्टूबर तक सरेंडर कर सकते हैं, इसमें इस डेट में हम इजाफ़ा भी कर सकते हैं। और ऑफिशियली जो हमने तीसरा काम आज किया है कि हम गवर्नमेंट को समरी भेज रहे हैं कि ग़ुलाम ख़ान अंगूर अड्डा और खदीची और सुदसूबी जो चार दूसरे बॉर्डर्स हैं जहाँ पे KFIA और कस्टम मौजूद नहीं है, उसको भी इसके अंडर किया जाए। और तोरखम और चमन पे हमारा अमला और कस्टम वाले मौजूद हैं, लेकिन वो चार बॉर्डर भी जो है उसको भी जो है उसमें से इजाफ़ा किया जाए। हम 20,000 अफ़गान को सहूलत दे चुके हैं, और भी सहूलत देने के लिए अगर हमें कहा गया। और आखिरी बात जो मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, 5 मिनट पूरे हो गए हैं, कि NGOs जो हैं इसमें कोई 27,000 NGOs हैं, इसमें से 91 NGOs जो हैं फॉरेन फंडिंग जो हैं उसको भी हम देख रहे हैं कि वो तरतीब में हो, ताकि फॉरेन फंडिंग का जो यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कोई रुकावट नहीं डाल रहे, लेकिन हम उसका कोई सिलसिला ज़रूर करने लगे हैं कि अगर कोई ऐसे NGOs हैं जो कि कवर सर्विस में काम कर रही हैं उनसे बातपोस कर दिया। 5 मिनट हो गए, 5 मिनट के सवाल, छोटा छोटा सवाल भी। किसी को हम मज़हब की बुनियाद पर न छेड़ेंगे, न छेड़ना चाहते हैं, हम कानून की सतह पे उसको देखना चाहते हैं। जी एक मिनट, देखें मिनिस्टर जो होता है इंटीरियर, वो सबसे पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी को और जो MS होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन ब्रिगेडियर अहमद साहब को, उनको इतला देता है। मुझे जो है सुबह कुछ